हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को. अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ से कहानी में आया और कहाँ से हमें इसको पढ़ना है. एक्चुअली में अगर मैं ह्यूमन एंसेस्ट्री की बात करूँ, जहाँ पे हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि ह्यूमन की क्या एंसेस्ट्री लाइन है और उसके पूर्वज कौन कौन थे, तो स्टार्टिंग विद एंसेस्ट्री लाइन ऑफ ह्यूमन, प्रोप्लियोपिथेकस सबसे पहले थे जिनको हम अपना पूर्वज मानते हैं. अगर कोई इससे भी ऊपर जाने का बोले तो आपने दो दो चीज़ें सुन रखी हैं. पहला है ट्री पे जो रहने वाले जो छोटे लेमूर टाइप के एनिमल्स थे, वो भी हमारे पूर्वज थे और उन्हीं से हम आगे डेवलप हुए थे. जो ट्री, ये लेमूर वाली स्टेज है, ये बहुत बहुत पुरानी है और ये सबसे ज़्यादा एंशियंट है, जहाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहीं से मैमल्स चालू हुए थे. ठीक है, उसके बाद इजिप्टोपिथेकस, प्रोकंसोल, ड्रायोपिथेकस, एनसीईआरटी में लिखा है. ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बारे में ये लिखा है कि जो रामापिथेकस है वो एक्चुअली में मोर ह्यूमन लाइक है और ड्रायोपिथेकस आगे चल के एप्स में कन्वर्ट हुए. ठीक है ना, तो रामापिथेकस आपको ऐसे भी याद रखना है कि राम नाम ह्यूमन का है तो इसीलिए रामापिथेकस. नेक्स्ट, शिवापिथेकस एंड केन्यापिथेकस. शिवापिथेकस और केन्यापिथेकस दोनों जो आपका हिमालयन माउंटेन है उस एरिया में मिले थे, इसलिए उनका इस तरह से नाम रख दिया. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. यहाँ से फिर चालू होता है हमारा स्टडी करना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमोहेबिलिस. होमोहेबिलिस आगे चल के हिडलबर्ग हो गया था, लेकिन वो एक्सटेंट हो गए थे. तो होमोहेबिलिस से ही आगे कौन डेवलप हुआ? होमोइरेक्टस. होमोइरेक्टस से फिर आगे चल के डेवलप हुआ इसको एक्चुअली में. अब ये जो इनने लिखा है ना, क्रोमैग्नन लिखना एक तरीके से गलत है. क्रोमैग्नन नहीं लिखना चाहिए. होमो इरेक्टस जो है वो आगे चल के बनाता है होमो सेपियन. और होमो सेपियन में तीन कैटेगरी थी, नियंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सेपियन सेपियन. ठीक है ना, तो होमो इरेक्टस तक ये पूरा एज इट इज याद रखना है और उसके बाद ये जो थोड़ा है इसकी जगह आप होमो सेपियन याद रखो. होमो सेपियन था, होमोसेपियन के बाद होमोसेपियन में ही एक्चुअली में नियंडरथल, क्रोमैग्नन और होमोसेपियन सेपियन, यानी कि मॉडर्न मैन, यानी कि हम. ठीक है ना, देखो, स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने इनका नाम डिस्क्राइब किया है और हो सकता है इनके कैरेक्टर पूछ लिए जाए. प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने इसका फॉसिल डिस्कवर किया था 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी का, ओल्ड प्योसिन और त्वांग रीजन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का जो त्वांग एरिया है वहाँ पे, और इसके अलावा भी एनसीईआरटी में डिस्क्राइब, जैसे इथोपिया वाली जगह पे लिखा हुआ है और बाकी जगह पे लिखा हुआ है, हम सब पे एक एक करके ध्यान देंगे. एविडेंस शो दे हंट विद स्टोन. आपको पता है पत्थर का हथियार बना के मारते थे. कनेक्टिंग लिंक है एप्स और मैन के बीच में, ये शायद कभी पूछ लिया जाए. एप लाइक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्रेनियल कैपेसिटी इनकी कम थी, एप लाइक कैरेक्टर है. यू शेप प्रोगनेथस माउथ था, ये भी एप लाइक कैरेक्टर है. आईब्रोज प्रेजेंट थी. ठीक है, देखो, यू शेप माउथ है यहाँ से देखो. उसके बाद आप क्रेनियल कैपेसिटी देख के तो पता लगा नहीं सकते, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे जो आईब्रोज की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आईब्रोज आपको देखने को मिल रही होंगी. फर्दर हम मैन लाइक कैरेक्टर की बात करें, अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डायग्राम अपने सामने रखना, कंप्लीट इरेक्ट पॉस्चर, ये ह्यूमन लाइक कैरेक्टर था इसका कि एकदम इरेक्ट पॉस्चर है इसका. नेक्स्ट, फोरलिम जो है वो थोड़े से शॉर्ट थे हैंड लिम से, यानी कुल मिला के ये बायपेडल लोकोमोशन स्टार्ट कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट, डेंटल फार्मूला ह्यूमन के जैसा है, वर्टिब्रल कॉलम, लंबर कर्व है उसमें, क्योंकि ये खड़े होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लंबर कर्व का प्रेजेंट होना. सम अदर वेराइटीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस डिस्कवर्ड बाय सम अदर साइंटिस्ट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. और बाकी जो ये सब तंजानिया में मिलने वाले थे और इथोपिया में मिले थे वो एक्चुअली में इसी के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अलग अलग टाइप थे. ठीक है ना, तो ये जो एनसीईआरटी में तंजानिया और इथोपिया के बारे में लिखा है ये शायद पूछ लिया जाए, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही अलग अलग टाइप थे. नेक्स्ट क्लास में हम प्रीहिस्टोरिक मैन स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू.